इस तरफ से जाना है मालम जबा, तो हम यहाँ से राइट लेंगे, कलाम जाने के लिए लेफ्ट लेना पड़ेगा। किधर से? लाहौर से। लाहौर से ये है जी चेयर लिफ्ट, यहाँ से बैठते हैं और वो सीधा हमने ऊपर को जाना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रॉम सवाल। आज का हमारा टारगेट है मालम जब्बा जाना है। प्रीवियस वीडियो में हम 8-8.5 घंटे की राइड करने के बाद इस्लामाबाद से सवाद पहुंचे थे। थकावट हो गई थी, बाईपास पे होटल लिया, 1500 रुपये का होटल मिला, रेस्ट वगैरह कर लिया, फ्रेश हैं। मालम जब्बा जाना है, 46 किलोमीटर्स है, फुल इंजॉय करना है। आज हमने 1.5 से 2 घंटे की राइड है, तो अभी हम बाईपास पे ही हैं, बाईपास से हम आगे निकलते हैं और इंशाल्लाह आपको आज हम अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। चलें जी, रेडी। रोशनी पा रही है आँखों में? काफ़ी। चलें जी निकलते हैं आज की राइड पे। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़्रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो अभी हम निकल पड़े हैं जी मालम जब्बा के सफ़र के लिए। अभी पास एक दरिया के पास रुके थे, सवाद दरिया इसका लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये है जी ऑथराइजेशन जोन, यहाँ पे बिल्कुल नहीं ड्रोन चल पा रहा, तब इसको पैक करते हैं। आपको मैं वैसे कैमरे से दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे लोग पत्थर वगैरह यहाँ पे छांटी कर रहे हैं और हमें भी एक ऑफ़र आई थी, तलहा भाई को ऑफ़र आई थी कि लेना पत्थर। तो साडा पत्थरों का शौक नहीं है, साडा कैमरों के मोटरसाइकिलों का शौक है। ड्रोन यहाँ नहीं चल सका, ऑथराइजेशन जोन था जैसा कि मैंने पहले बताया। पास स्वात एयरपोर्ट है, इस वजह से यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अंदर फिजागट एक पार्क है, तो यहाँ पे होटल्स वगैरह भी हैं और सारे टूरिस्ट आए हुए हैं इस तरफ तो काफ़ी ज़्यादा। दरिया अभी भी साथ साथ चल रहा है हमारे। यहाँ पे इन्होंने ये केबल कार लगाई हुई है जो दूसरी साइड पे ले जा सकती है आपको। हमने इस तरफ से जाना है मालम जब्बा, तो हम यहाँ से राइट लेंगे, कलाम जाने के लिए लेफ्ट लेना पड़ेगा। सरदार आलम शहीद चौक, मालम जब्बा 31 किलोमीटर। क्योंकि मालम जब्बा हाइट पे है तो इस वजह से हमें कुछ चढ़ाइयाँ भी फेस करनी पड़नी हैं वापसी पे उतराई। प्लान तो नहीं है कि हमारा मालम जब्बा में रुकने का, क्योंकि वहाँ पे होटल भी एक्सपेंसिव हैं और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी हमने जाना है ऊपर की तरफ और काफ़ी ज़्यादा है ज़िगज़ैग हैं रास्ते में, होटल हैं, रिजॉर्ट हैं, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं रुकेगा। जिसने ऊपर जाना है वो ऊपर जाके स्टे करेगा। तकरीबन 15 किलोमीटर बाकी रह गया। अभी यहाँ पे शॉर्ट स्टे के लिए रुके हैं, कुछ ज़रा यहाँ पे तस्वीरें वगैरह खींच लें
और आपको ज़रा कुछ ड्रोन शॉट भी दिखा दें। करते हैं यहाँ पे ड्रोन की फ्लाइट और आपको दिखाते हैं जब हम नज़ारे यहाँ के। इस तरह जब सीधा जाते हो कोई टर्न आता है ना तो सामने क्लाउड्स नज़र आते हैं और बहुत ही कमाल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है। अब हम यहाँ से बिल्कुल ये टर्न लेके लेफ्ट हो जाएंगे बहुत ही पुरसकून ये इलाका है, लेकिन लोगों से ज़रा आपने बचना, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो जब मैं मालम जबा में आया था मैंने आपको बताया था कि होटल माफिया और यहाँ का जो जब स्नो होती है तो यहाँ पे अगर आप गाड़ी पे आएँ तो चेन माफिया, इन दोनों से आपने बच के रहना है। ओ माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है ये, सुभान अल्लाह। रश काफ़ी ज़्यादा लगा होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूर्स आए हुए हैं। और ये हम यहाँ से भी निकल आए, अस्सलाम वालेकुम, आगे ले जा सकते हैं बाइक लाहौर से, आगे बाइक की पार्किंग है। अभी हम चलते हैं मजीद आगे। ओ खैर यहाँ पे तो मरी माल रोड बना हुआ है, कहीं पार्क कर लें तलहा। तो यहाँ पे बाइक वगैरह पार्क कर ली है, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं क्योंकि वो जैकेट और ट्राउज़र काफ़ी ज़्यादा मोटा था, ये पहन के थोड़ा कुछ सुकून गए। और अब चलते हैं अंदर स्काई रिजॉर्ट में और अंदर फिर आपको चेयर लिफ्ट वगैरह दिखाते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस। यहाँ से दो टिकट ली हैं 1400 ईच, फिर टिकट लेने के बाद यहाँ से एंट्रेंस है, अभी इधर सेंटर होते हैं, अंदर एंटर हो चुके हैं और अभी हम आगे जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम आए थे बाहर से ही होकर चले गए थे, लेकिन इस दफ़ा ये है कि अब आगे जाएँगे। रश काफ़ी ज़्यादा था बाहर, लेकिन लोग टिकटें सुनकर फिर वापस आ जाते हैं। हमने चेयर लिफ्ट ले ली है और शादी जो थी वो बगैर चेयर लिफ्ट के 1100 रुपये की थी। यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़ रख के आवाम को एंटरटेन किया जा रहा है कि जी खेलते रहें इसके साथ। हम जा रहे हैं जी अंदर और आगे हम लेंगे चेयर लिफ्ट, ऊपर की तरफ जाना है। हेलमेट ने बाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं, लेकिन तलहा भाई ने ठंडा पानी अपने सर पर लगाया, बाल तो बिठा लिए, लेकिन अब तलहा भाई को हैवी किस्म की ठंड लग रही है। नहीं इतनी क्या ज़रूरत आई थी, कोई भी नहीं, वैसे ही मैंने कहा बाल वगैरह सेट करने बाइक पर आए ना इस वजह से। ये है जी चेयर लिफ्ट, यहाँ से बैठते हैं और वो सीधा हमने ऊपर को जाना है उस साइड पे, और अभी लेते हैं चेयर लिफ्ट। ये बच्चों का प्ले एरिया यहाँ पे उन्होंने बनाया है, ग्लोरिया जीन्स है। भाई ये आपका जो है ना फूड वाउचर, ठीक है, इस कार्ड के थ्रू अभी हम एंटर हुए हैं और अभी पता लगा कि जी 200 का वाउचर भी है। और यहाँ पे इन्होंने फुल पजल करके आगे हमें चेयर लिफ्ट तक लेके जाना है। लें जी रेडी रेडी रेडी, ये बैठ गए लें जी, ये हम बैठ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं ऊपर। यूबिया याद आ गया, यूबिया यूबिया
काफी पुरानी बात है। अयूबिया पूरी 5-6 साल पुरानी बात है। बहुत ही लेवल का नज़ारा आ रहा है इस वक्त। ये वापसी पे आते हुए पता लगना। यहाँ आगे तरह कुछ लोग ही है, लेकिन ये है कि स्लो एंड स्टेडी विंस रेस बेहतर जा रही है। जितना भी हम आए हैं ऊपर, ये वापस भी जाना है, और वापस का जो नज़ारा है वो ज़्यादा बेहतर है। बाल हेलमेट ने काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिए। वो जाना है हमने ऊपर। यहाँ पे आपको जूम इन करके दिखाते हैं। आइसक्रीम खानी ऊपर जाके। आइसक्रीम 200 रुपये का हमें वाउचर मिला है साथ। देखते हैं अब ऊपर जाके क्या खाया जाए। 200 से कुछ आंदा है? देखो यहाँ पे इतना आसान करता है, 200 का वाउचर दे के। मैं कहता हूँ तेल ही पुआ रही हूँ वापसी तक। 200 में देखो ये क्या क्या देते हैं। ऊपर तो चीज़ें बहुत महंगी हैं। अब ये है कि इधर ड्रोन चलेगा। हाय हाय क्या नज़ारा आना। लास्ट टाइम सर्दियों में आए थे ना, तो यहाँ पर सारी स्नो थी। तला साहब यहाँ लोग खुद ही करना पड़ना है। इसको छोड़ना है, इसने ऊपर निकल जाना है। छोड़ो ले जाओ ऊपर। रुक जा। ये ऊपर हो गया। रेडी। 1 2 3 यहाँ से ये उतर गए। ऊपर आए हैं यहाँ पे तो यार वाह ही सर्दी लग रही है। जैकेट शैकेट बंद हो गई है। सोच रहे हैं कि कैप वगैरह ले जाते हैं। और क्या लेके आना चाहिए था हमें साथ? ग्लव्स भी ले आते। नहीं ग्लव्स वगैरह ही चाहिए थे। तो ये कैसी लग रही सर्दी? सर्दी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था। हाँ इतनी हमें पूरे सफ़र में सर्दी नहीं लगी जितनी यहाँ आके लग रही है। हालांकि धूप निकली है लेकिन ना होने के बराबर। 200 वाले वाउचर का याद रखना। यहाँ पे देखते हैं ना क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ पे पूरा रेस्टोरेंट है। मालूम जब बस स्नैक है रेस्टोरेंट। कैपुचिनो 400, हॉट चॉकलेट 400, एस्प्रेसो 250। रेट काफ़ी तेज है। ये हैं जी हम इधर। वो उधर बाइक पार्क करके हम आए हैं इस चेयर लिफ्ट के ऊपर से। और अभी हमने यहाँ से वापस भी जाना है। साथ मंगवाइए जी हमने चाय, टी बैग वाली नहीं दूसरी, करक स्कोन हुआ। और साथ हमने मंगवाए जी कुछ अदद पकौड़े। वाउचर कितना चला है? तला वाउचर है 2-2 सौ का था। 400 पकौड़े आ गए हैं। वो 100 पड़ा हुआ उसकी फीस खाएंगे। 300 के पकौड़े आए हैं, 100 रुपये अभी बाकी है। इतनी ठंड में हमने फीस खानी है? कोई खुदा का खौफ है? हम दरअसल साइड पर बैठे हैं, ड्रोन अभी चलाया ही था, अलाव नहीं है। पुलिस वाला आ गया, काम अपना कर लिया हमने सारा। तो इसको हमने ये बताया कि अभी चलाया था, तो लैंड कर लिया फ़ौरन ही। 200 वाउचर का था, 400 रुपये वो, 400 नगद, 800 रुपये का हमने सिर्फ यहाँ से गंद बुला खाया। गंद बुला ही कहेंगे। बस ये कि अच्छी चीज़ मिल गई है, कॉर्नेटो भी ले सकते नीचे जाके खानी। ठंड बहुत लग रही है, मुझे देख के ठंड लग रही है। अभी आप देख सकते हैं शाम भी हो रही है, गुरु भी आफ्ताब हो रहा है। अभी बस यहाँ से नीचे जाते हैं चेयर लिफ्ट से। और काफ़ी ज़्यादा रश भी लग गया हुआ है। तला साहब बारी आती कि नहीं आती? नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। लाइन वाई है? नहीं अभी लाइन शायद वापसी की तो नहीं है। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। अभी देखते हैं कब आती बारी। करीब तो आ गए हैं लेकिन पीछे काफ़ी लंबी हुई लाइन है। आ जाएगी बारी आज?
5-7 मिनट में आ जाएगी। लाइन काफ़ी लंबी थी, भाई जान का बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपनी फैमिली के अंदर हमें स्पेस दी और इससे ही हुआ कि काफ़ी लाइन हम क्रॉस करके आ गए। थैंक यू सो मच, हैं भी लाहौर के वैसे, बहुत शुक्रिया जी आपका। इसमें बैठना नहीं, दो छोड़ना। ओ खैर फाइनली बैठ गए, ठंड लग रही यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो गया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा। ओ हो, तेरा पला है, फाइनली यहाँ से निकल आया। उतर के मैं भी खानी है कौन है तो। नीचे का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। पीसी होटल की लाइट चल चुकी हैं, सामने आप देख सकते हैं लोग अभी भी आ रहे हैं यार। अभी इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी, वो आगे जिप लाइन भी है उसकी भी वापस आ रही हैं, और मैंने पूछा क्या रेट है, वो कह रहे हैं कि जी 3,500 रुपये की जिप लाइन है। जो ड्रोन शॉट से आपको दिखाए हैं ना, वो भी एक अलग किस्म के व्यूज से, लेकिन जो हम यहाँ पर चेयर लिफ्ट से देख रहे हैं ना, वो भी कैसे व्यूज़ हैं, उसका भी अपना ही लेवल है। ये तकरीबन हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, रेडी रेडी रेडी, प्रिपेयर टू गेट ऑफ। छोड़ दे इसको, वन ये खुल गया यहाँ से, और 1 2 3 ये निकला। सर जी कुछ लोग आ रहे हैं रास्ता खाली, आगे चलो आगे चलो, शाबाश शाबाश। जरा कुनेटो खाने लगा बहुत दिमाग ठीक है तेरा। ओहो तला सर्दी लग जाएगी ना खा। ओह खैर तला थोड़ा आगे तो चलें, थोड़ा नॉर्मल हो जाए फिर खाते हैं, इतनी सर्दी में आइसक्रीम वो रेस पियो, चाय सिर्फ चना ही खाते हो। यहाँ पे ये नेस्कैफे वॉल्स वालों ने लगाया हुआ है, आई लव मालम जब्बा। लोग यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर्स खींच रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, और साथ ही एग्जिट है, तो क्यों ना हम भी यहाँ पे कुछ पिक्चर्स खींच लें। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मज़े की लाइट है, ओ ये है सारा मालम जब्बा। उम्मीद करते हैं कि जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, हमें तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, फुल इंजॉय किया बाइक राइड में भी और ऊपर जाके भी, और उम्मीद करेंगे कि जी आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही काफ़ी एडवेंचर हुआ आज तो। आपका क्या एक्सपीरियंस है? बड़ा अच्छा रहा, सर्दी थी बस काफ़ी, बाकी तो बेहतरीन रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं वापस, हमें जाना है सवात, तो यहाँ पे करते हैं जी वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।